हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जैसे साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी है क्या। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 16वीं शताब्दी में प्लूटो अरस्तु और देकार्ते ने जो मनोविज्ञान को बताया था वो मन का विज्ञान बताया था। उसके बाद फिर 18वीं शताब्दी में, जो 18वीं शताब्दी में आए पेम्पोलॉजी, उन्होंने बताया कि मस्तिष्क का विज्ञान है, साइकोलॉजी को मस्तिष्क का विज्ञान बताया। 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स, विलियम वुंट और विलियम वाइन, इन्होंने बताया कि चेतना का विज्ञान है। और आज के टाइम में, प्रेजेंट में क्या बोल रहे हैं, वाटसन और वुडवर्थ स्किनर ने क्या बताया है कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। अकॉर्डिंग टू वाटसन, मनोविज्ञान व्यवहार का एक धनात्मक विज्ञान है। और अकॉर्डिंग टू मॉर्गन, उसने बताया है कि मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का अध्ययन है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, वुडवर्थ ने बताया है कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा या मन का त्याग किया, क्योंकि सबसे पहले आत्मा और मन का के बारे में बताया था, फिर उसने मस्तिष्क के बारे में बताया, फिर चेतना का त्याग बताया किया, और अब व्यवहार की विधि को ही मनोविज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान। अब तो हमने साइकोलॉजी मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा है, अब मनोविज्ञान का एजुकेशन फील्ड में कैसे यूज किया जाता है, ये शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, मतलब कि एजुकेशन साइकोलॉजी। अकॉर्डिंग टू सोरेनसन, सोरेनसन ने बताया है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी वह क्षेत्र है जो मनोविज्ञान का व्यवहार शैक्षिक प्रक्रियाओं तथा विद्यालय विषयों के साथ अध्यापन करता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्किनर, स्किनर ने बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ये इनको साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने डेफिनेशन दी है। डायरेक्ट डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछ लेता है एग्जामिनर, एक डेफिनेशन देकर पूछता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो हमें इनके बारे में एक बार जरूर रीड आउट करना चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एंड क्रो, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। ये करो एंड क्रो ने बोला है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टीफन, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। इस मीनिंग क्या है कि शिक्षा और विज्ञान, इसका शाब्दिक अर्थ शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान है, जो इन्होंने बताया है, जो डेफिनेशन दी है इनका बताया है कि जो एजुकेशन और साइंस का है, इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान, मतलब कि एजुकेशन साइकोलॉजी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई थी। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों थारंडाइक, वुड, टर्मन, स्टेलने हॉल आदि के अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप शिक्षा मनोविज्ञान ने सन 1920 में स्पष्ट और निश्चित स्वरूप धारण किया था। कहने का है मतलब ये है कि 1920 में पूर्ण रूप से शिक्षा में साइकोलॉजी यूज होने लगी थी। उनके इन कार्यों को 1940 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, APA इसको बोला जाता है, और 1947 में अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन ने इसको आगे बढ़ाया। अब है शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ विधियां हैं, मतलब कि जो एजुकेशन में किन किन में मेथड्स को हम यूज करते हैं कि हम अपनी जो एजुकेशन है उसको अच्छे से बच्चों को उसमें इन्वॉल्व कर सकें। फर्स्ट है आत्मनिरीक्षण विधि, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंट्रोस्पेक्शन मेथड। खुद का ऑब्जर्वेशन करके, खुद का निरीक्षण करके हम इस एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाथा वर्णन विधि, एनोक्डोटल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट है बहिर्दर्शन और निरीक्षण विधि, मतलब कि ऑब्जर्वेशन मेथड जिसको हम बोलते हैं, ऑब्जर्व करके भी हम कुछ, जैसे क्लास में एक टीचर देखता है कि बच्चों को कि किस बच्चे ने किस सब्जेक्ट में अच्छा है, वो उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है जीवन इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड। उपचारात्मक विधि, विकासात्मक विधि, डेवलपमेंट मेथड।
नेक्स्ट है मनोविश्लेषण, साइको एनालिटिक विधि, तुलनात्मक विधि, जिसमें कंपैरिजन करते हैं कि मान लो कोई भी दो बच्चे, उनमें कंपैरिजन एक टीचर को नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक फील्ड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि किस बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उसके लिए तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है, सांख्यिकी विधि। नेक्स्ट स्टैटिक, जिसको हम बोलते हैं। आगे है प्रशिक्षण विधि, नेक्स्ट है साक्षात्कार, इंटरव्यू विधि, क्वेश्चनेयर मेथड, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नावली। हम बच्चे को या फिर क्लास में एक टीचर है जो क्वेश्चन पुट करता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें किसी भी सब्जेक्ट में बच्चे के डेवलपमेंट को चेक करता है। नेक्स्ट है विभेदात्मक विधि, और लास्ट है मनोभौतिकी, साइको फिजिक्स की। इसमें बताया जाता है कि इसमें थ्रेशोल्ड मेथड कि एक डेड पॉइंट होता है जिस पर बच्चे के एक एजुकेशन या इसके इंटरेस्ट को हम मेजर करते हैं। ये कुछ मेथड थे जिसको हम अपनी एजुकेशन में यूज करते हैं, एक टीचर को क्लास में यूज करना चाहिए। अब एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट पूछते हैं कि हम मान लो एक इंग्लिश टीचर है, वो इनमें से किस मेथड का यूज करेगा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेथड हैं क्या, साक्षात्कार है, इंटरव्यूअर है, या क्वेश्चनेयर मेथड है, उनमें क्या किया जाता है और कैसे उनको हम डेवलप कर सकते हैं, किस मेथड को एक क्लास में टीचर यूज कर सकता है। अब हमने इसमें एजुकेशन, साइकोलॉजी और साइकोलॉजी को पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटेलिजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। अब तब तक के लिए धन्यवाद।